तो हे दोस्तों, आप लोग वी फोर वीडियोस और ये पेंट स्पैम मशीन की टेस्टिंग का पार्ट नंबर दो। और आज के इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या हम लोग अपनी पेंट स्पैम मशीन से वाटर बेस्ड पेंट जैसे कि प्राइमर और इमल्सन दीवालों में पेंट कर पाएंगे या नहीं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसकी मदद से हम लोगों ने किस तरीके से ऑयल बेस्ड पेंट को पेंट किया था दरवाजे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक दीवार को पेंट करने वाले हैं इस पेंट स्पैम मशीन की मदद से। तो इस वीडियो के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि अगर आपको दीवारों में पेंट करना है तो ये मशीन आपके लिए कैसी रहेगी। तो चलिए आज के टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लो, मौसम काफी बढ़िया है। हम लोग यहाँ पे मशीन से टेस्टिंग करने वाले हैं। सामने वाली दीवार 45 स्क्वायर फीट की है और बगल वाली दीवार 75 स्क्वायर फीट की है, जो मैंने नापा है। जो बड़ी दीवार आपको दिख रही है 75 स्क्वायर फीट की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सामने वाली दीवार को 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया है 15-15 स्क्वायर फीट के। तो सबसे पहले मैं रोलर से पेंटिंग स्टार्ट करूँगा ऊपर वाले हिस्से में और देखूंगा कि कितने मिनट लगते हैं ऊपर पेंटिंग करने में। तो चलिए पेंट करते हैं। दोस्तों लगभग 5 मिनट 4 मिनट 40 सेकंड लग गए रोलर से पेंट करने पर। एक तो ऊपर का हिस्सा था तो और भी मेहनत लग गई। अब ब्रश से स्टार्ट करते हैं बीच वाले एरिया को पेंट करना। और यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया, 4 मिनट 7 सेकंड लगे हैं ब्रश से पेंट करने पर। वैसे ब्रश से रोलर की तुलना में ज्यादा टाइम लगना चाहिए था। अब बारी है मशीन से पेंट करने की, तो मैं नीचे वाले हिस्से को मशीन से पेंट करूंगा। तो टाइम स्टार्ट नाउ। और ये क्या, पानी कहाँ निकल आया यार, बड़ी दिक्कतें शुरू हो गई। फाइनली पेंटिंग स्टार्ट हो गई है मशीन से। उसे टाल निकल गया। कंप्लीट हो गई। जल्दी से स्टॉप वॉच को रोकना होगा यहाँ पे मुझे। और मशीन भी अभी भी गिर गई। अरे यार लॉक खुल जा, लॉक खुल जा। स्क्रीन वाले लॉक का यही तो दिक्कत है, खुलता ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे लगता है आधा समय तो यही सब बर्बाद हो गया। 1 मिनट 24 सेकंड, नहीं मैं इसे 1 मिनट 10 सेकंड ही मानूंगा। तो अभी 75 स्क्वायर फीट की वॉल को पेंट करना स्टार्ट करते हैं। इसे पेंट करने में लगा 6 मिनट का समय। ये देखो, ये सिंगल कोट है। अभी मैं दूसरा कोट भी करूँगा, वो नहीं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो वो हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टोटल 1 लीटर पेंट का यूज़ किया। और 1 लीटर पेंट में यहाँ पे लगभग 400 ml पानी मिलाने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे 800 ml पानी मिला के करीब 75 + 45 यानी कि 120 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर दिया इस 1 लीटर पेंट के साथ एक पेंट स्प्रे मशीन की मदद से। तो ये देखो 4 घंटे हो गए हैं डबल कोट के बाद। यहाँ पे डबल कोट भी मैंने कर दिया है और सबसे बेस्ट फिनिशिंग मुझे लगी है पेंट स्प्रेयर की। जी हाँ, पेंट स्प्रेयर से बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग आई है। और ब्रश वाला देख लो आप लोग, यहाँ पे हल्की लाइनें दिखेंगी क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लगा। और रोलर वाला फिर भी ठीक था, लेकिन पेंट स्प्रेयर ने वाकई में बहुत सही काम किया। तो दोस्तों इस मशीन से वाटर बेस्ड पेंट की पेंटिंग का एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है बहुत ही मस्त रहा है। टाइम की बचत हुई और फिनिशिंग भी काफ़ी सही आई। तो मैंने जो देखा कि भाई मेरे लिए तो पैसा वसूल चीज़ है, अब किसी पेंटर को भी नहीं बुलाना पड़ेगा, खुद से ही मैं घर पेंट कर लिया करूँगा इस मशीन की मदद से। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अब हमने कवर कर लिए हैं वाटर बेस्ड पेंट और ऑयल बेस्ड पेंट दोनों को इस मशीन से। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही।